राहत की बात है कि देश में 2 महीने बाद आज सबसे कम कोरोना केस आए हैं। कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लेकिन कोविड से मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,14,460 नए कोरोना केस आए हैं और 2,677 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,89,232 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 77,449 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे इतने पहले कम कोरोना केस 5 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 24वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 5 जून तक देश भर में 23,13,22,000 कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 33,53,539 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 36,47,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 20,36,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गई है। एक्टिव केस घटकर 6% से कम हो गए हैं। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले रविवार को 2,105 नए मामले, सोमवार को 1,101 नए मामले, मंगलवार को 506 नए मामले, बुधवार को 953 नए मामले, गुरुवार को 1,553 नए मामले, शुक्रवार को 1,325 नए मामले, शनिवार को 1,537 नए मामले और आज शनिवार को 1,952 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 52,235 से 54,187 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है, और जहां पहले 50 से 100 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 1,000 या 1,500 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।